वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको यहाँ पे एक रेडमी नोट 5 प्रो में मैंने एक कस्टम रोम इंस्टॉल किया हूँ, तो उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन में बता देता हूँ। जैसे कि अभी इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन क्या मिलता है और सिक्योरिटी पैच इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर बेस्ड है और जो सिक्योरिटी पैच मिलता है यहाँ पे आपको लेटेस्ट मिलता है 5 मार्च का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो बैक आ जाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो कि रोम आता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ज़िक्रोनियस हब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, जैसे कि आपको मालूम पड़ जाएगा इस रोम में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप कस्टम रोम यूज़ करते हो तो आपके लिए ये है कि नहीं है, यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पर मैं एंटीडू बेंचमार्क स्कोर किए, तो यहाँ पे मुझे एंटीडू बेंचमार्क मैंने यहाँ पे 2-3 बार टेस्ट किया, लेकिन स्कोर जो मुझे मिला 1,21,000 ही देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि ज़्यादा है MIUI कम्पेयर टू MIUI 10, यहाँ पे 1,21,000 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अगर बीटा में जाकर टेस्ट करोगे, अगर आप बीटा में हो MIUI 10 में, तो वहाँ पर आपको 1,18,000 तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये बात करूँ तो इसके अंदर आपको गूगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मैं मैनुअली टेस्ट करके बता दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस रोम में आपको जो है कैमरा टी पी आई ऑलरेडी अनेबल्ड मिलता है, आपको अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट कैमरा जो प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो MI का कैमरा मिलता है। यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स के अंदर जाके बता देता हूँ, 4K सपोर्टेड आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो 4K रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 4K रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो फोटोज़ के अंदर आपको यहाँ पे AI का ऑप्शन भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, यहाँ पे इतने सारे मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो 4K वर्किंग हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करो तो गूगल कैमरा की, तो गूगल कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि नाइट मोड के साथ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट मोड भी वर्किंग हो रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शंस नहीं मिलता है, लेंस ब्लर को आप डिसेबल करके पोर्ट्रेट मोड भी इसके अंदर आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको अनेबल पोर्ट्रेट मोड, तो ये डिसेबल कर देगा लेंस ब्लर को। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लियर करके रिस्टार्ट कर देता हूँ, इससे क्या होगा मेरे डिवाइस में यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड आ जाएगा। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आ जाएगा पोर्ट्रेट मोड, तो पोर्ट्रेट मोड इसके अंदर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप गूगल कैमरा के फ़ैन हो, इसके अंदर आपको गूगल कैमरा मिल जाता है और एंड्रॉयड बेंचमार्क इसके अंदर आपको ज़्यादा कमाल का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ MI कैमरा की, तो MI कैमरा में यहाँ पे आपको AI मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो इसके अंदर आपको और क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पे पबजी के अंदर बता दूँ तो पबजी के अंदर इसके अंदर आपको क्या क्या सेटिंग मिलता है। तो पबजी में ओपन कर लेता हूँ और पबजी तो मुझे ऐसा कोई भी लैग देखने को नहीं मिला और फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को नहीं मिला। तो मोबाइल थोड़ा बहुत हीट होता है, लेकिन वो नॉर्मली सभी रोम्स मैंने यूज़ किया था तो उसके अंदर भी हीट हो रहा था, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हीट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है हीटिंग के कारण। लेकिन ऐसा नॉर्मल टाइम पे तो मुझे ऐसा कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे देखने को नहीं मिला एज़ कम्पेयर टू MIUI 10। इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ कम देखने को मिलता है लैग, तो एज़ कम्पेयर टू MIUI 10 कस्टम रोम यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि जो है MIUI 10 में बहुत ज़्यादा लैग करता है। मैं प्ले करता हूँ MIUI 10 के साथ, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि मेरा डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा लैग होता है। तो इसके कारण जो यहाँ पे मैं कस्टम रोम को टेस्ट करता हूँ और पबजी खेलता हूँ और टेस्ट करके आपके लिए यहाँ पे वीडियोस बना के बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पबजी ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग बता दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक सेटिंग जो कि यहाँ पे हाई और HD में मिलता है। अगर आप MIUI 10 के ऊपर हो तो यहाँ पे आपको बैलेंस्ड विथ मीडियम फ्रेम रेट यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको ग्राफिक HD में मिलता है और फ्रेम रेट जो है यहाँ पे आपको हाई में मिल जाता है। तो यहाँ पे पबजी के अंदर यहाँ पे आपको खुशी खुशी खेल सकते हो, इसके अंदर आपको यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपका डिवाइस लैग होगा तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि जो है खेलते टाइम पे अगर लैग होगा आपका डिवाइस तो मुझे भी प्रॉब्लम होता है। इसके कारण जो है यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट करता हूँ पबजी के अंदर और टेस्ट करके आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है उसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई, तो यहाँ पे मैंने तो टेस्ट नहीं किया, वाईफाई और ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट्स और दोनों एक ही टाइम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि
वर्किंग है, यहाँ पे हॉटस्पॉट भी वर्किंग है और यहाँ पे वाईफाई भी वर्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे आपको मैं बात करूँ 4G वोल्टी के, तो इसके अंदर आपको डुअल 4G वोल्टी मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैं बैटरी बता देता हूँ, बैटरी यूसेज, और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आवर्स एंड 30 मिनट मैंने यहाँ पे पबजी प्ले किया था और 1 आवर यहाँ पे मैंने यूट्यूब को यूज़ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि बैटरी यहाँ पे तो 17 आवर पहले मैंने इसको चार्ज किया था, तो यहाँ पे जो कि मैं अभी पबजी 2 आवर एंड 2.5 आवर यहाँ पे मैं प्ले किया, उसके बाद जो है 1 आवर मैंने यूट्यूब भी देखा, तो उसके बाद जो है बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी मेरा इतना रह गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल यहाँ पे कर लेता हूँ तो स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स यहाँ पे मुझे देखने को मिला, तो अभी भी 30% यहाँ पे आप बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे बात करो सिक्योरिटी एंड लोकेशन, इसके अंदर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं टेस्ट करके बताता हूँ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि फास्ट वर्क हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैं फेस अनलॉक बता देता हूँ, इसके अंदर आपको फेस अनलॉक कैसे वर्क करता है। तो ओके, मैं ट्रस्टेड फेस इनरोल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है फेस यहाँ पे इनरोल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे फेस अनलॉक टेस्ट करके बता देता हूँ, मेरे फिंगर्स पूरे सामने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि अनलॉक हो चुका है। तो फेस अनलॉक भी इसके अंदर आपको बेशक वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पिनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे कि हब में बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो ट्रैफिक इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे आप आइकॉन को हाइड अनहाइड भी कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज, ओके, स्टेटस बार यहाँ पे जो है आप बैटरी पावर को भी यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो नेविगेशन की को भी आप यहाँ पे हाइड करके जो है जेस्चर्स को भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, तो जेस्चर्स का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है। लॉक स्क्रीन, ओके, लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट यहाँ पे आपको मिल जाता है। पावर मेनू में आपको यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बटन्स भी यहाँ पे वर्क नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत सारा तो बहुत ही कम आपको यहाँ पे मोड्स देखने को मिलता है इसके अंदर, लेकिन जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ सेटिंग्स के अंदर तो आपको यहाँ पे डार्क मोड का भी ऑप्शंस मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट मोड का ऑप्शंस भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे स्लीप टाइम 30 मिनट्स तक का मिलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट है, ओके, यहाँ पे कलर का जो थीम मिलता है वो भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो है आप डिवाइस का थीम भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो मैं डिफ़ॉल्ट रख के आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पे मोबाइल का लुक कैसा मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोबाइल का लुक है ऐसा हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेशक इसको आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको रोम को फ्लैश कर लेना है वाया TWRP, उसके बाद आपको ओपन जी फ्लैश करना है, और फ्लैश करने के बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली बूट कर लेना है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे डिवाइस बूट हो जाएगा और इस रोम को आप इंजॉय कर पाओगे। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी रिलेटेड रोम के रिलेटेड वीडियो होना तो आप नीचे मुझे बता सकते हो, वो रोम का फुल रिव्यू आपके लिए मैं बना के बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।